भारत के भारी विरोध के बाद चीन ने श्रीलंका में हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम परियोजना के निर्माण को रोक दिया है। इन हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम को 3 उत्तरी द्वीपों पर बनाया जाना था, जो भारत के बेहद करीब है। इससे पहले जनवरी में भारत ने श्रीलंका से चीनी कंपनी को सोलर पावर प्लांट बनाए जाने का ठेका दिए जाने पर विरोध कराया था। श्रीलंका ने हाल ही में कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर डिपो के निर्माण का ठेका चीन की कंपनी को दिया है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। पिछले एक हफ्ते में ही यह दक्षिण अफ्रीका से लेकर 25 देशों में पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति साउथ अफ्रीका में चल रही है। यहां एक दिन में ही ओमिक्रॉन केस दोगुने हो गए हैं। हालात कितने चिंताजनक हैं इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि साउथ अफ्रीका में लेवल 1 का लॉकडाउन लगा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अब इस संस्था के खास भूमिका निभाएंगी। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ पहले IMF को छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब उन्हें प्रमोशन मिल गया है। उन्हें प्रमोट कर IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। यह IMF में दूसरे नंबर का स्थान है। बोइंग 737 मैक्स को तकनीकी रूप से उन्नत करके उड़ान भरने की अनुमति चीन के विमानन न्यायिक ने गुरुवार को दे दी है। इससे पहले यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ब्राजील जैसे देशों में भी बोइंग विमान की उड़ान को अनुमति दे दी थी। चीन एविएशन डेली ने चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन के जरिए कहा है कि चीन के विमान चालकों को वाणिज्यिक उड़ानें भरने से पहले एक नया प्रशिक्षण लेना होगा। दुनिया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 25 देशों में ये वेरिएंट मिल चुका है। अमेरिका में अब तक ओमिक्रॉन के 8 केस मिले हैं। पहला केस कैलिफोर्निया में मिला था, जबकि ओमिक्रॉन के 5 मामले गुरुवार को न्यूयॉर्क में मिले हैं। अमेरिकी मीडिया ने गवर्नर कैथी के हवाले से रिपोर्ट दी है कि न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट के 5 मामलों की पुष्टि हुई है। दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण गूगल ने 10 जनवरी 2022 से रिटर्न टू ऑफिस प्लान को फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है। अल्फाबेट इंक की कंपनी गूगल ने गुरुवार को कहा है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से वैश्विक स्तर पर खतरा बढ़ रहा है। नवंबर दिसंबर के बीच मुंबई पहुंचे 5 अंतर्राष्ट्रीय यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। खास बात यह है कि इनमें से एक यात्री दक्षिण अफ्रीका से भी आया था। फिलहाल भारत में भी ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक डॉक्टर में कोरोना के नए स्वरूप के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 66 वर्षीय दक्षिण अफ्रीका नागरिक में भी ओमिक्रॉन का पता चला है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से सभी स्कूल बंद करने का फैसला किया है। इस बात का दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने स्पष्ट किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में कल से सभी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। प्रियंका चोपड़ा ने गुरुवार को मिस इंडिया मानसा वाराणसी के सपोर्ट में एक तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने देश के लोगों से उन्हें सपोर्ट करने के लिए कहा है। मानसा इस साल मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। मानसा देश का प्रतिनिधित्व करेंगी, इसलिए प्रियंका भारतीयों से उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अपील करती नजर आई। प्रियंका ने एक मैसेज भी दिया है। शुक्रवार को सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान के साथ हुई। सेंसेक्स 272.47 अंक यानी 0.47% की तेजी के साथ 58,763.76 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 71.75 अंक यानी 0.41% बढ़त के साथ 17,473.40 के स्तर पर नजर आ रहा है। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।